आज हम बात करेंगे टीकाकरण के बारे में। भारत में हर साल करीब 17 लाख बच्चे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के कारण मर जाते हैं। बच्चों का टीकाकरण चार्ट 2018 एक सरल उपाय है बच्चों को बहुत सी खतरनाक बीमारियों से बचाने का। सभी बच्चों को अच्छी सेहत का अधिकार है। आप अपने बच्चों को अच्छी सेहत दे सकते हैं। टीकाकरण चार्ट 2018 को पढ़कर और उनके अनुसार बच्चों को टीका लगाकर टीकाकरण चार्ट 2018 कौन सा टीका क्यों कब और कितनी बार बच्चे को लगवाना चाहिए की पूरी जानकारी देता है। टीकाकरण न केवल आपके बच्चों को गंभीर बीमारी से बचाता है वरन बीमारियों को दूसरे बच्चों में फैलने से बचाता है। यहाँ पर हम दे रहे हैं कुछ आवश्यक टीके। जन्म के समय बच्चे कमजोर होते हैं, उनमें रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है, इसीलिए बच्चों का टीकाकरण जरूरी होता है। टीकाकरण से बच्चों के शरीर में एंटीबॉडीज बनते हैं जो बच्चे के शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। हर माता पिता अपने बच्चे की अच्छी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता है, मगर अच्छी देखभाल करने के लिए जानकारी भी तो जरूरी है। इसीलिए माँ बाप को बच्चों से संबंधित हर जानकारी से वाकिफ होना चाहिए। जब बच्चे का जन्म होता है तब बीमारियों से लड़ने की शक्ति बच्चे को उसकी माँ से विरासत में मिलती है। यह एंटीबॉडीज बच्चे के शरीर में गर्भनाल के द्वारा पहुँचती है। कुछ एंटीबॉडीज बच्चे को माँ से स्तनपान के जरिए मिलती रहती है, मगर ये एंटीबॉडीज बच्चे में बहुत देर तक संक्रमण से नहीं लड़ सकती हैं। संक्रमण से लड़ने के लिए बच्चे के शरीर को खुद सक्षम बनना होगा। विभिन्न प्रकार के टीके जो बच्चे को लगाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा बच्चे का शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से लड़ने में और इन बीमारियों से बच्चों को बचाने में माहिर बनाता है। इन टीकों की मदद से बच्चे का शरीर जिंदगी भर बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनाता है। यूं कहें कि ये टीके ही बच्चे को सारी उम्र बीमारी से बचाते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कुछ बेहद जरूरी टीके नवजात शिशुओं के टीकाकरण के बारे में। BCG का टीका। यह टीका बच्चे को पैदा होते ही लगाया जाता है। BCG का टीका बच्चे को TB से बचाता है। DPT का टीका बच्चे को डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस जैसे गंभीर जानलेवा बीमारियों से बचाता है। खसरे का टीका। खसरे से बचाने के लिए खसरे का टीका लगाया जाता है। इस बीमारी में शिशु को शरीर पर छोटे दाने निकल आते हैं और बुखार भी चढ़ जाता है। हेपेटाइटिस बी का टीका। हेपेटाइटिस बी एक बेहद भयंकर बीमारी है। हेपेटाइटिस बी का टीका बच्चों को जॉन्डिस और हेपेटाइटिस बी की बीमारी से बचाता है। चिकन पॉक्स का टीका। ये टीका बच्चों को चिकन पॉक्स के वायरल संक्रमण से बचाता है। MMR का टीका शिशु को खसरा, टॉन्सिल्स और रूबेला से बचाने के लिए दिया जाता है। इन्फ्लुएंजा का टीका। इन्फ्लुएंजा सांस की बीमारी है। इस बीमारी से बच्चे को सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। यह टीका जब बच्चा 6 महीने का होता है तब उसे दिया जाता है। रोटा वायरस का टीका। रोटा वायरस की वजह से शिशु को अंतरशोध और दस्त हो सकता है। यह टीका शिशु को अंतरशोध दस्त से बचाता है। HIV का टीका। हेमोफिल्स इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन। मस्तिष्क का वरण शोथ की वजह से शिशु के मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुंचता है। पोलियो से बचाने के लिए पोलियो OPV के 2 ड्रॉप्स दिए जाते हैं। अस्पतालों में जनरल ड्यूटी असिस्टेंट GDA की मदद टीकाकरण के लिए ली जाती है। GDA को प्रशिक्षित होना चाहिए, इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत होती है। इस कोर्स का प्रशिक्षण DPMI पिछले 22 वर्षों से दे रहा है। इच्छुक विद्यार्थी इस कोर्स के प्रशिक्षण के लिए दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट DPMI में प्रवेश ले सकते हैं ताकि कुशल GDA बन सके। Thank you.
सर मिठाई खाइए सर। बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।